हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरत्न पुलाव। नवरत्न पुलाव सारे पुलाव में से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हम इसे किसी भी खुशी के खास मौके पर बना सकते हैं, या हमने घर पर किसी मेहमान को बुलाया है तो हम नवरत्न पुलाव को बना सकते हैं। तो आइए देखिए, नवरत्न पुलाव बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया है। नवरत्न पुलाव बनाने के लिए हमने पौना ग्लास चावल का लिया है, बासमती चावल, जिसे हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया है और अच्छे से हमने इसको धो लिया है और इसको अब हम बॉईल कर लेंगे। 1 हमने आलू लिया है, जिसे हम तुरंत ही काटेंगे। अगर हम इसे पहले काटते हैं तो ये काला हो जाएगा, जब हम इसको फ्राई करने लगेंगे तो हम आलू को तभी काटेंगे। 1 कप हमने मटर का लिया है, 1 कप हमने गाजर का लिया है, 200 ग्राम हमने पनीर लिया है, 10-12 किशमिश, 10-12 काजू, 10-12 बादाम लिए हैं। ये हमने साबुत मसाले लिए हैं, इसमें हमने 1/2 चम्मच जीरा, 5-7 काली मिर्च, 6-7 लौंग और 1 टुकड़ा छोटा हमने दालचीनी का लिया है, 1/2 चम्मच हमने नमक का लिया है और 4 बड़े चम्मच हमने घी के लिए है। नवरत्न पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को उबलने के लिए रख देते हैं। हमारे पास 1/2 ग्लास चावल का है तो हम 1.5 ग्लास पानी का डाल देंगे और इसको अच्छे से हम उबाल लेंगे। चावल को डाल देंगे। चावल को हम 4-5 मिनट ढककर पकाएंगे। जैसे ही हमारे चावल उबल जाएंगे, चावल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। चावल को हम एक बार उठाकर देखेंगे, चावल हमें बिल्कुल मैश्ड नहीं चाहिए होते, चावल हमें हल्के से कनी वाले इसके लिए चाहिए। चावल हमारे तैयार हो गए हैं। चावल को हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, तब तक हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। नवरत्न पुलाव के लिए हमने चावल को उबाल कर तैयार कर लिया है, अब हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम गैस ऑन करके घी को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई में घी को डाल देंगे, घी को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम को हम हल्का सा भून लेंगे और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बादाम हमारे भुन गए हैं, इसको हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम काजू डालकर काजू को भून लेंगे। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। गाजर को डालकर गाजर को भी हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। गाजर भी हमारी क्रिस्पी हो गई है, गाजर को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम पनीर को भी हल्का सा ब्राउन होने पे निकाल लेंगे। इसी तरीके से पनीर भी हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, बाहर निकाल लेंगे। आलू को भी इसी तरीके से डालकर आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, आलू को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम मटर डालकर मटर को फ्राई कर लेंगे। मटर को भी ऐसे ही 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। मटर भी हमारे क्रिस्पी हो गए हैं, मटर को भी बाहर निकाल लेंगे। अब हमने काजू, बादाम, पनीर, मटर, आलू और गाजर को हमने
फ्राई कर लिया है। अब इसी बचे हुए घी में हम साबुत मसाले डालकर पुलाव बना लेते हैं। साबुत मसालों को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। सब्जियों को डाल देंगे। नमक को डाल देंगे और बादाम काजू और पनीर को भी डाल देंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और जो हमने उबालकर चावल रखे हैं वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। चावल को मिक्स कर देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि सारी सब्जियां हमारे चावल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। कढ़ाई में कड़छी को हमने अच्छे से चलाना है ताकि हमारी सारी सब्जियां और सारे ड्राई फ्रूट्स मसाले हमारे अच्छे से चावल में मिक्स हो जाएं। किशमिश को भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्वादिष्ट नवरत्न पुलाव हमारा बनकर तैयार हो गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और पुलाव को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। स्वादिष्ट नवरत्न पुलाव हमारा बनकर तैयार है। नवरत्न पुलाव को किसी भी खुशी के मौके पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।